नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूँ तलहा। किसी भी महामारी का सामना करने के लिए हमारा देश कितना तैयार है वो हमने कोरोना काल में देख लिया था। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी ने देश भर में हेल्थ सिस्टम का पोल खोल कर रख दी थी। इस बीच नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के अंदर एक जिला अस्पताल में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड मौजूद हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम में अभी कितने सुधार की ज़रूरत है। अगर बात करें राज्यों की तो सबसे ख़राब स्थिति बिहार की है, जहां 1 लाख की आबादी पर औसतन 6 बेड मौजूद हैं। वहीं सबसे बेहतर स्थिति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, यहां 1 लाख की आबादी पर औसतन 222 बेड मौजूद हैं। जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों के शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिला अस्पतालों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ कोर हेल्थ डायग्नोसिस सिस्टम सेवाओं की उपलब्धता के मामले में बेहतर पाया गया है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की 2012 में जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया था कि जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर मेंटेन रखना है। हालांकि ये निर्देश 2001 की जनगणना के आधार पर दिए गए थे। इस निर्देश के आधार पर भी देश में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेड की संख्या 22 से कम है। इसमें बिहार की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां 1 लाख की आबादी पे बेड की संख्या सिर्फ 6 है। बिहार के अलावा झारखंड में 9, तेलंगाना में 10, उत्तर प्रदेश में 13, हरियाणा में 13, महाराष्ट्र में 14, जम्मू और कश्मीर में 17, असम में 18, आंध्र प्रदेश में 18, पंजाब में 18, गुजरात में 19, राजस्थान में 19, पश्चिम बंगाल में 19, छत्तीसगढ़ में 19 और मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर औसतन 20 बेड मौजूद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।